नवी मुंबई नेटवर्क। कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप, कहार, निषाद, भोई, कोली, कोरी समन्वय समिति के दो दिवसीय 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 21 मई और 22 मई को एरोलिन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में किया जाएगा। इसी की जानकारी कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक रमेश दादा पाटिल ने दी, जहां उनके साथ मौजूद थे राष्ट्रीय संयोजक राजा राम कश्यप, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाबा मार्तंड प्रसाद, युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कश्यप, महाराष्ट्र भाजपा मच्छीमार सेल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट चेतन दादा पाटिल, युवा पदाधिकारी आदि तमाम मान्यवर मौजूद रहे। गौरतलब है कि नवी मुंबई में होने जा रहे इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन राज्य के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों किया जाएगा। इस सम्मेलन में केंद्र मंत्री, 29 राज्यों के मंत्रीगण, सांसद, विधायक व समाज के रिटायर्ड जज, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी जैसे कई प्रशासकीय, सामाजिक और संगठन के पदाधिकारी मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक रमेश दादा पाटिल ने कहा कि देश भर में 29 राज्यों तक फैले कोली समाज को एकत्रित लाने और उन्हें उनका न्याय हक दिलवाना ही इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य मकसद है। कोली महासंघ तो महाराष्ट्र पुरत काम करते है, परंतु आज आमचा समाज संपूर्ण ऑल ओवर इंडिया मध्ये आहे, तो आम्ही संपूर्ण राज्यामध्ये आहोत। जवळपास 29 राज्यांमध्ये आमचा समाज आहे आणि तो समाज एकत्र करण्याचं काम आज समन्वय समिती करत आहे आणि समन्वय समितीने रिक्वेस्ट केली की आपलं हे अधिवेशन मुंबईला व्हायला पाहिजे। तर मुंबईचे विधायक कोण आहेत? तर रमेशदादा पाटील। तर मी त्यांना सांगितलं की बाबा या तुम्ही नवी मुंबईमध्ये, आपण अधिवेशन भरू। त्याचा उद्देश एकच आहे की संपूर्ण देशातला जो कोळी समाज आहे, हां, जो आदिवासी आहे, कोळी आपले दुसरे अदर कास्टचे कोळी आहेत, त्या सगळ्यांना कोळ्यांना एकत्र आणण्याचं काम आपण करायला पाहिजे। तर हे केलंय आम्ही आता इकडे। उन्होंने आगे कहा कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित ठराव केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाया जाएगा। ये अधिवेशन 21 तारखेला, 21 ते 22 तारखेला, हे दोन दिवसाचं अधिवेशन आहे आणि 21 तारखेला आपले महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल माननीय कोश्यारी साहेब यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे। 260 पर्यंतचे अधिवेशन रिप्रेझेंटेटिव येतील, आमचे पदाधिकारी येणार आहेत या ठिकाणी संपूर्ण देशामधनं आणि ते ह्या अधिवेशनात सहभागी होतील आणि चर्चा करतील। हे ठराव संपूर्ण केंद्र सरकारकडे जातील, जे गृहमंत्री आहेत, प्रधानमंत्री आहेत देशाचे, त्यांच्यापर्यंत हे ठराव आम्ही पोचण्याचे प्रयत्न करणार आहोत। मागे पण गेलो होतो आणि आत्ता पण जाणार आहोत। आमचे प्रयत्न थांबलेले नाही, आम्ही सातत्याने हे प्रयत्न करणार आहोत आणि ते तिथपर्यंत पोहोचवणार आहोत। राष्ट्रीय संयोजक राजा राम कश्यप ने इस दौरान कहा कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उनका मुख्य एजेंडा है समाज की राजनीतिक भागीदारी, जाति जनगणना, आरक्षण और बूट की स्थापना। पहला हमारा है राजनीतिक भागीदारी, दूसरा है जाति जनगणना, तीसरा है आरक्षण और चौथा है कश्यप बोर्ड की स्थापना। ये चार तो पुराने जिसमें हमारी वार्तालाप चल रही है। इस अधिवेशन के अंदर जो हमारे साथ में है वो है संगठनात्मक, राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक और फेडरल, जो फेडरलिज्म है इसके आधार पर। इसमें हमारा जो गहन चिंतन है, क्योंकि आज हमारा बच्चा रोजगार पर नहीं रहेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं रहेगी, तो हम उस क्षेत्र के अंदर काम करके उनको आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। और ये पूरे देश का हमने सूची बनाई है, ये देखिए आप पूरी पूरी हमारी सूची, ये वो लोग हैं जिनसे हमारे पास कन्फर्मेशन लिस्ट आई है और बिल्कुल कैडर बेस के आधार पर हम काम कर रहे हैं। अब ये नहीं है कहीं रैली निकाल ली, आज जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा ली, उससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप अपनी बात को रखने के लिए सक्षम नहीं होंगे, यूनिटी नहीं दिखेगी। और इसमें निश्चित रूप से कि सरकार के पास एक रिपोर्ट जाने वाली होगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने सरकार को सीधा इशारा देते हुए कहा कि यह आंदोलन नहीं बल्कि चिंतन शिविर होगा और अगर उनकी मांग को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो वे भी सरकार के खिलाफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट छेड़ेंगे। यहाँ पर जो रखने के पीछे मूल कारण था कि जितने बड़े शहर हैं जहाँ पे हमारा जनाधार है, जैसे रानीमती, बंगाल है, केरला के, इसमें सबसे ज़्यादा साउथ के लोग इकट्ठे होने वाले हैं। 261 लोग, ये हमारी कोई आंदोलन की या रैली नहीं है, ये हमारे चिंतन शिविर है जिसके अंदर जो
मजिस्ट्रेट्स हैं, जजेज हैं, मिनिस्टर्स हैं, जैसे निरंजन ज्योति महामंडलेश्वर हैं, केंद्र के हमारे बीच के लाइजिंग के लिए वो कितना करेंगी हम नहीं जानते, लेकिन सरकार तक अपनी बात रखने के लिए वो यहाँ आई हैं और रखेंगी। राज्यपाल महोदय उनको भी जब ज्ञापन मिलेगा और वो भी जब देंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी कागज चलेगा। और हमारा हमारी आवाज़ को उठाने का मामला है, रात तक सवाल किसी चीज़ को डिस्पोजल करने का है, वो ये एक रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन। जितना सरकार हमें मदद करेगी उतनी हम करेंगे, अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम उनकी भी नहीं करेंगे, लेकिन ये तय हमारे अधिकारों के लिए हैं। राजा राम कश्यप ने कहा कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है जहां का कोली समाज बेहद जागृत है, ऐसे में एकजुट होकर यहीं से न्याय हक प्रदान करने का बिगुल बजाया जाएगा। महाराष्ट्र एक वो जगह है जहां पे जलजला है। हम भी हालांकि महाराणा की भूमि से पैदा हुए हैं और राजस्थान से निकले हैं, लेकिन जितना हमारा समाज यहाँ पे जागृत है अपने अधिकारों के लिए, अपनी बातों के लिए और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, तो हमारा जो बिगुल बजने वाला वो यहीं से ही है। और ये संदेश है सरकार को, समाज को, कि हम अपने अधिकारों के लिए यूनाइट होकर के लड़ें। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाबा मार्तंड प्रसाद, युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कश्यप, वही एडवोकेट चेतन दादा पाटिल ने कहा कि समाज को केंद्र और राज्य स्तर में न्याय दिलवाने में ये अधिवेशन मील का पत्थर बनकर जरूर साबित होगा। जनगणना क्यों की जाती है? जनगणना का मुख्य कार्य होता है जितनी भी सामाजिक और आर्थिक पक्ष हैं उनको संकलित करके ये करना, ठीक है। तो यदि आप किसी का आर्थिक, सामाजिक, इन सब पहलुओं को यदि आप टच ही नहीं करेंगे, यदि आप उनको जानना ही नहीं चाहेंगे, जैसा कि हमारे पास पत्र आया है कि केवल SC और ST का ही होता है, हम उनका विरोध जरा भी नहीं कर रहे क्योंकि योजनाएं हैं सभी के लिए, विकास के लिए। तो यदि जनगणना का मूल उद्देश्य क्या है, हम जातिगत जनगणना क्यों बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक नाम है जातिगत जनगणना। आपको जब तक भारत देश तो जातियों में ही बटा हुआ है, ठीक है, भाषाओं में ही बटा हुआ है, यदि आप उसको ही गणना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं आज, तो आपके पास में क्या आंकड़े, किसके लिए आप प्लान बना रहे हैं? हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं जातियों के आधार पर सबकी पहचान है। भाई आज आप न्यूज में दिखाते हैं इतने प्रतिशत जाट है, इतने प्रतिशत यादव है, इतने प्रतिशत मुस्लिम है, इतने प्रतिशत हिंदू है, इतने प्रतिशत अपने मल्लाह है, बिंद है, ठीक है, ये आंकड़े आपके पास में है, सरकार के पास भी होंगे निश्चित तौर पर, सब किया गया है। आपके पास में चार चार पांच पांच सर्वे की संस्थाएं हैं, आपके पास हेल्थ सर्वे है, टाटा का सर्वे है, कितना कितना सर्वे होता है, आपके पास तो सारे आंकड़े हैं। जब आपको विकास ही करना है तो जाति का नाम वसूल करने की बात है, इससे आपको कहाँ ऐसा डर लगता है कि हमारा कुछ विकास रुक जाएगा या एक ध्रुवीकरण हो जाएगा या कुछ ऐसा पॉलिटिकल नेक्सस बन जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो ओपन चीज़ें हैं, आजकल तो साहित्य में सब चीज़ें इंटरनेट पर आपने उपलब्ध करा दिया इस चीज़ को। हमारे समाज में पढ़ा लिखा तबका आ गया है, चेतन भैया जैसे, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे आ गए जो सिस्टम को जानते हैं, जो आज जिन्हें पता है कि इस रास्ते पे चल के, इस डायरेक्शन पे चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। आज रमेश दादा पाटिल जी और अन्य बहुत सारे हमारे भारत के 29 राज्यों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी छत्र छाया हम पे है, लड़ाई लड़ने का इनके मार्गदर्शन में, इनके सानिध्य में, संरक्षण में हम लड़ाई लड़ेंगे, रोड पे आके लड़ेंगे और जितनी हमारी मांगे हैं। ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो हमें मिली नहीं है। हमारा ही समाज एक ऐसा समाज है कि जिसके पास 22.5 करोड़ लोग एक साथ हैं, पर क्या है, यूनाइट नहीं है। अब हमने हर राज्य में यूनाइट कर रहे हैं, युवाओं को आगे लेके आ रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समाज, आने वाला युवा हमारे समाज का बहुत आगे जाने वाला, और जो हमारी मांगे हैं चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो हिस्सेदारी की हो, चाहे वो आरक्षण की हो, चाहे वो जातीय जनगणना पे हो, पूरे भारत में हम एक यूनाइट होके आने वाले टाइम में हम ये कार्य करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन 2 दिन का है और 21 और 22 मई का, उसका उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, इनके हस्ते होना है। और दादा ने, रमेश दादा ने, विधायक जी ने उन्हें यहाँ आमंत्रित करके हमारे जो महाराष्ट्र की और समस्या है उनके ओर उन्हें प्रश्न उठाने के लिए और केंद्र के लिए जो समस्या है वो सुलझाने के लिए आमंत्रित किया है। उसी के साथ कई मंत्रीगण भी आने वाले हैं। तो ये 2 दिवसीय का राष्ट्रीय अधिवेशन हमने नवी मुंबई में लिया है, वहां पे सारे भारतवर्ष से कहीं सांसद, विधायक और मंत्रीगण उपस्थित रहने वाले हैं और इससे हमें आगे समस्या सुलझाने में मदद होने वाली है और महाराष्ट्र के
ओर से हमें इसको एक अलग रूप धारा देकर हम इसे इस अधिवेशन को अलग तरीके से हम लेने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क। डू यू एस्पायर टू अपग्रेड योर लिविंग विद अरिहंत अद्विका सेक्टर 9 वाशी? Upgrade to iconic residential tower